नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट ने एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस की फीस जारी की है। देखेंगे कितनी फीस बढ़ी है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डिफार्मेसी और एमबीएमसी की ही फीस फाइनल की है, और वो भी सभी कॉलेजेस के नहीं की है, कुछ कॉलेजेस की है, कुछ कॉलेजेस की जैसी जैसी उनकी मीटिंग्स होगी उस हर मीटिंग के बाद हमें और कॉलेजेस के बारे में पता चलेगा। तो देखेंगे कि अब तक के जितने भी कॉलेजेस की फीस जारी हो चुके हो तो उसमें से कितनी फीस बढ़ी है। थोड़े प्रातिनिधिक स्वरूप से हम कुछ कॉलेजेस की फीस देखेंगे और कॉलेज की फाइनल फी कहाँ देखनी है उसकी जो रिक्वेस्ट सारी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको इजीली आप वहां जाकर देख सकते हैं और आगे भी आप उसे रेफर कर आप जिस क्षेत्र में, आप जिस कॉलेज में, आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हो वहां आप उस कॉलेज की फीस आप वहां जाकर देख सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये है जिसे हम एफआरए बोलते, फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, और ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये जो समिति है ये सिर्फ महाराष्ट्र के जो अनएडेड कॉलेजेस होते, अनएडेड प्रोफेशनल कॉलेजेस होते उनकी ही फीस फाइनल करती है। उनपे उनके फी पर नियंत्रण रखने का ये काम करती है और कॉलेज को उनके मनमानी हिसाब से फीस नहीं कॉलेज बढ़ा सकता। उनको हर साल, मतलब सभी प्रोफेशनल कॉलेज जो है प्राइवेट, उनको हर साल फीस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उनके यहाँ पे उनके पिछले साल पूरा जो खर्चों का ब्यौरा है वो सादर करना पड़ता है उनका। फिर उनकी जो एक कमेटी होती है उसे रिव्यू करती है उस प्रपोजल को और उनके हिसाब से फिर अगले साल के लिए, मतलब 2021 के लिए हमारी उन्होंने फी जारी की है। वो हर एक कॉलेज के प्रपोजल को अप्रूवल देने के बाद, उनका इवेल्युएशन करने के बाद, उनके खर्चों का ब्यौरा उनको अगर सही लगा तो उसके हिसाब से फिर ये फी वो मंजूर या फिर उसे अप्रूवल देते हैं और फिर वो उस साल के लिए उनकी फी ये होती। और जनरली अभी तो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि अभी सभी कॉलेजेस की फीस अभी फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने इश्यू नहीं किए। जैसे जैसे उनके हर 10-12 दिनों के बाद एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वो कुछ कॉलेजेस की फीस फाइनल करते हैं, उतने समय दो मीटिंग के दरमियान जितने प्रपोजल उन्होंने फाइनल किए उनके हिसाब से कॉलेज को फीस अलोकेट करते चले आ रहे हैं। और अब तक जितने कॉलेजेस की फीस हुई है उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वो देखना है ताकि आप वहां जाकर अगली, जैसे जैसे आपके एडमिशन प्रोसेस शुरू होने के पहले सभी कॉलेजेस की फीस आपको पता चल जाएगी, लेकिन कैसे देखना है ये देखने के बाद आप वहां जाकर इजीली उसे देख सकते हैं। तो कितना फीस जनरली बढ़ी है उसके बारे में अगर हमने थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की तो जनरली 20% कॉलेजेस ने अपनी फीस इस साल नहीं बढ़ाई है। तो बहुत ऐसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे कि जिन्होंने पिछले साल की ही फीस कंटिन्यू की है इस साल और उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की। कुछ ऐसे कॉलेजेस है उनकी फीस कम भी हुई है और अगर बढ़ी भी है, ज्यादातर फीस 8 से 10% ही बढ़ती है जनरली, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। और जनरली ये जो अभी दिन ब दिन ऐसी परिस्थिति आ रही है कि बहुत सारे सीट्स खाली रहते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के, इंजीनियरिंग के बारे में हमने अगर बात कर दी तो कुछ कॉलेजेस छोड़ के बाकी के कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स खाली रहती है। उसी प्रकार एमबीए एमसीए का भी हो रहा है। पिछले साल मुझे लगता है कि फार्मेसी में थोड़ा सा बदलाव आया था, थोड़ी सीटें भर गई थी लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली थी। तो उन कॉलेजेस ने ये स्टैंड लिया है कि हम फीस वही रखेंगे, फीस नहीं बढ़ाएंगे ताकि हम सीट तो भर सके। और इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस ने ये फैसला लिया है कि फीस ना बढ़ाए, वही फीस रखे। जैसे कि मैंने कहा अभी मेडिकल कोर्सेस की फीस अभी फाइनल नहीं किए, जैसी होगी आप वहां जाकर देख पाओगे। इसी समिति द्वारा, जैसे कि हमने कहा इसी समिति द्वारा सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की फीस फाइनल होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते उनके जो टेक्निकल एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट वो उनकी फीस डिक्लेयर करता है। तो उसके बारे में भी जैसे पता चलेगा, जनरली वो बहुत देर के बाद, कभी कभी तो ऐसा होता है, पिछले साल तो ऐसा होता कि उन्होंने पिछली फीस ली थी और बाद में जब फाइनल हुआ तब डिफरेंस लिया या दिया, तो होता है उनका। ये सिर्फ अनएडेड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में ही
है। तो चलिए देखेंगे कि इंजीनियरिंग और थोड़ा सा स्ट्रीम वाइज देखेंगे कि कितना फर्क पड़े। ये कोई कोई रैंक नहीं कॉलेज का, सिर्फ मैंने उठाए कुछ कॉलेजेस जिनका फीस पिछले साल और इस साल का हम कंपैरिजन करेंगे। तो सरदार पटेल का फीस अगर हमने देखा तो पिछले साल 1.58 था, अब 1.68 हो गया है, बढ़ गया। पीएसटी को मुड़ के देखा तो पिछले साल 1 लाख था, अब 95,000 हो गया, तो उनका फीस कम हो गया है और आपको अब कम फीस देनी पड़ेगी। वीआईटी का 1.75 था, अब 1.8 हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। पीसीसीयूए का 1.25 था, अब 1.28 हो गया है। उसी अगर हम देखें कि सिंहगढ़ का नवले काशीबाई नवले का तो 92,000 था, अब 95,000 हो गया है। डी आई पाटिल पिंपरी का 1 लाख था, अब 1,15,000 हो गया है। उसी प्रकार सोमाया का हम देखेंगे तो 1.5 था, अब 1,59,500 आपको देने होंगे। उसी प्रकार के आईआईटी कोल्हापुर का देखिए 1 लाख था, अभी 1,06,000 हो गया उनका भी। और अभी उसी प्रकार हम अगर टीएसईसी तो तोडमल सहानी कॉलेज मुंबई का, ये भी कॉलेज 1.64 था उनका, अब 1.80। तो बहुत सारे कॉलेजेस का ऐसा है कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर हम देखें तो कुछ कॉलेजेस का, बहुत सारे कॉलेजेस का फीस बड़ा है, बहुत सारे कॉलेजेस ने वही रखा है, कोई अपवर्ड रिवीजन उन्होंने नहीं किए उनके फीज में। अगला कोर्स देखेंगे एमसीए, उसी प्रकार के ट्रेंड है, उसी प्रकार का है। सरदार पटेल का हम देखा तो 1,25,000 था, 1,68,000 अब हुआ है उनके सभी कोर्स, मतलब एमसीए एमई शायद और इंजीनियरिंग सबका फीस वही उन्होंने रखा है। सिंहगढ़ का एमसीए का देखे तो 90,000 था, अब 94,000 हो गया है। पिंपरी चिंचोड़ का जो उनका एमसीए कोर्स है उस कॉलेज का तो 94, अब 95 थोड़ा सा बढ़ गया है। वीआईटी का 1.23 था, अब 1.32 आपको पे करना होगा। उसी प्रकार विवेकानंद जो मुंबई का कॉलेज है 85,000 था, अब 1 लाख तक उनका फीस बढ़ गया है। उसी प्रकार केआईटी का जो कोल्हापुर का कॉलेज था 60,000 थी, अब 60,000 है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिनका फीस उन्होंने बढ़ाया नहीं है। विवा का देखे विरार का मुंबई का कॉलेज 56,000 था, 63 कर दिया। डीवाई पाटिल पुणे का 1,08,000 था, अब 91,000 कम हो गया है फीस। उसी प्रकार एमआईटी औरंगाबाद का अगर देखा तो 65,000 था, अब 51, तो कम कुछ कॉलेज का कम भी हुआ है और कुछ कॉलेज का वही रखा है, कुछ कॉलेज का थोड़ा सा बढ़ा है। तो जितना भी फीस बढ़ा है वो 8-10% तक बड़ा है। एमबीए का अगर हम देखेंगे तो जो मुंबई वाला कॉलेज है उनका उतना उन्होंने कॉन्स्टेंट रखा है, बहुत सारे कॉलेज ने कॉन्स्टेंट एमबीए का तो बहुत सारे कॉलेज का कम भी उन्होंने किया है। सिंहगढ़ का अगर हमने देखा तो 1.35 था, अब कम होके 1.28 किया है। उसी प्रकार पिंपरी चिंचवड़ का तो 1 लाख था, तो 1,10,000 अब हुआ है। एमजीएम औरंगाबाद का अगर 1 लाख था, 1,10,000 और बढ़ा है। विवाह का अगर हम देखें तो 86,000 था, अब 84 थोड़ा सा कम हुआ है। उसी प्रकार के आईआईटी कोल्हापुर का अगर हम देखें 75,000 था, 75,000 ही है। अमृत वाहिनी का अगर हमने देखा तो 91 था, 1 लाख हो गया है। उसी प्रकार गुरु नानक मुंबई का ये कॉलेज है तो उनका 2,10,000 था, अब 2,23,000 था, मतलब कुछ कॉलेज का बड़ा है, कुछ कॉलेज ने कॉन्स्टेंट वही रखा है, बहुत सारे कॉलेजेस का एमबीए स्ट्रीम में कम हुआ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पॉलिटेक्निक का देखेंगे तो पॉलिटेक्निक में विद्यालंकार का मुंबई वाला कॉलेज जो है 63,000 था, 68 हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है। तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कॉलेजेस की फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। उसी प्रकार एमजीएम का देखे औरंगाबाद का तो 50,000 था, 52,500 हो गया। बीवी भारतीय विद्यापीठ का जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक का पुणे का वो 70,000 था, 71,500 बढ़ गया है। अमृत वाहिनी संगमनेर का 65,000, अब 65,000 ही है। केके वाग 70,000 था, 73,000 बढ़ गया है। वहां पे के जी सोमाई का अगर हमने देखा तो 90,000 थे, अब 1 लाख किया है। उसी प्रकार मातोश्री का जो नासिक का पॉलिटेक्निक है 42,500 था, अब 53,000 हो गया है। विवा का अगर हमने देखा तो 40,000 था, अब 47,500 हो गया है। और उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक का जो लातूर वाला कॉलेज वहां देखा तो 48,000 था, अब 65,000 हो गया है। तो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक एमसीए में एमसीए सॉरी उसमें थोड़ा सा फीस कुछ कॉलेज का बढ़ा है, कुछ कॉलेज ने वैसे रखा है। तो जनरली लगभग 600 कॉलेज ने उनका फीस नहीं बढ़ाए हैं अभी तक। तो अगले जैसे जैसे उनके रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे उनकी फीस फाइनल होगी, तब और कुछ कॉलेजेस के बारे में हमें पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया है। तो डी फार्मेसी के बारे में अगर हमने देखा तो गुरु नानक टेक्निकल जो नागपुर वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, उन्होंने 1 लाख का फीस उनका 2,000 से बढ़ाया है। उसी प्रकार वाइडीमा ने जो कोल्हापुर का कॉलेज है
उनका 58,000 था, 65,000 किया है, तो पिछली बार अच्छे रिस्पांस मिला था फार्मेसी कोर्सेज को, थोड़ी थोड़ी फीस आप बढ़ाई है। तो सेंट्रल इंडिया नागपुर का अगर देखा तो 75,000 85,000 हो गया है। उसी प्रकार इथापे जो संगम नेर का कॉलेज है वामन राव इथापे, उनका 90,000 था, अब 98 हो गया है। एनडी का सर का फार्मेसी का कॉलेज 48,000 था, 56,500 उनका फीस अब हो गया है। जेएसपीएम का जो फार्मेसी पुणे का 63,500 था, अब 70,000 तक उनका फीस चला गया है। तो चलो हम देखेंगे कि फीस कैसे देखनी है, कॉलेज फाइनल फी कैसे देखनी है, क्योंकि अभी सभी कॉलेजेस की फीस फाइनल नहीं हुई। जैसे जैसे फी फाइनल होगी इस पोर्टल पर वो आपको फीस अपलोड करेंगे, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो इसी पर बनाया था, अगर वो मिलता है तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो चलिए देखेंगे कि कैसे फीस का ब्यौरा हमने देखना है। तो ये है उनकी वेबसाइट, यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे जनरली उस साल के लिए अडॉक फीस होगी 18-19, और वो अब उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया, अपडेट करेंगे। अगर जिन लोगों को अडॉक वो मंजूर करेंगे उनके 2020 उनके लिए यहाँ पे दे देंगे, पिछले साल का फीस यहाँ पे है ऑलरेडी। पूरे फीस का आपको फाइनल फीस का ब्यौरा देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अडॉक फी होगी, यहाँ पे होगी फाइनल फीस, तो पिछले साल की फीस आप वो भी यहाँ जाकर देख सकते हो। लेकिन इस साल की फी अब कुछ दिनों बाद यहाँ पे आएगी फाइनल फी, तब आप जाकर वहां पे देख सकते हो। अगर अभी आपको फीस देखनी है किसी किस कॉलेज की कितनी फीस हुई, तो आप इस मिनट्स में जाइएगा, मिनट्स में 2019 के मिनट्स आप रेफर कीजिएगा। जैसे आप 2019 के मिनट रेफर करोगे तो आप आओगे इस मिनट के विंडो पर, और यहाँ पे देखिए आप उनके जो मिनट्स है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, तो उसके मिनट्स आपको देखने हैं। आप देखोगे तो उनके मिनट्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार ज्यादा साइज है, थोड़ा वक्त लग सकता है, 40 शायद कुछ फाइल तो 40-50 MB की होगी। तो ये उनके मिनट्स है, और इस मिनट्स में आपको कॉलेज की फीस मिल जाएगी। यहाँ इंजीनियरिंग की है तो पूरे जितने भी कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं या फिर आपके ध्यान में कोई कॉलेज होगा तो आप उसके बारे में जानकारी यहां से जुटा सकते हो कि उसकी कितनी फीस है। तो ये इंजीनियरिंग के, उसी प्रकार बाकी के भी कोर्सेज की फी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एमबीए का देखा है, एमबीए एमसीए ऐसा ही फीस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो जितनी भी आप फीस के रिलेटेड मीटिंग्स है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके सीधा उस मिनट डाउनलोड कर सकते हो और वहां जाकर फी आपकी रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आपके मन में अगर कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर, फीस को लेकर, फीस जो फाइनल हुई इसके रिगार्डिंग, तो पूछिए मुझे कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। रुकते यहां पे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।